गाइज आज हम इस MI-172 हेलीकॉप्टर में गुवाहाटी से तवंग जा रहे हैं। 26 सीटर इस हेलीकॉप्टर में। अगर आपको तवंग जाना है तो सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। इस वाले व्लॉग में हम फ्लाई करेंगे ओवर भूटान एयर स्पेस। यहीं पे जो है ना गुवाहाटी एयरपोर्ट का नया फूड कोर्ट बना है, तो अडानी साहब आपने एयरपोर्ट तो ले लिया, ये सब भी अपग्रेड आपको करना ही पड़ेगा। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन। 2x2 का इसमें सेटिंग है। क्या ही हेलीकॉप्टर राइड थी। जो मैंने कहा है कि हेलीकॉप्टर में पीछे एक टेल रोटर है, वो क्यों लगा रहता है। एंड हीटर देख लो होटल में कितना बढ़िया दिया है। ये आगे हैं दोस्तों तवंग के मोनेस्ट्री में। अरुणाचल प्रदेश आ रहे हो ना तो तवंग जरूर आना। देवियों सज्जनों नमस्कार। नॉर्थ ईस्ट सीरीज के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। फिलहाल मैं हूँ गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। आसाम में हूँ। दिन की शुरुआत चाय से होनी चाहिए बट मैं कर रहा हूँ कॉफी से। आज का दिन और आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज्यादा स्पेशल। कह लो कि घर से जब मैं चला था नॉर्थ ईस्ट के लिए, मेरे मन में एक ही डेस्टिनेशन थी, वो है तवंग, जो आज हम जाने वाले हैं। तवंग है अरुणाचल प्रदेश में एंड आता है इंडिया भूटान और इंडिया तिब्बत बॉर्डर में। तो एकदम अपन बॉर्डर सीमा पे जाएंगे आज, एंड वो भी किससे? एयरपोर्ट पे खड़े हैं, बस से तो जाएंगे नहीं। अब की बार हम जा रहे हैं हेलीकॉप्टर से। हेलीकॉप्टर भी कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं, हेलीकॉप्टर भी एक रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट जो कि है MI-172, जो MI-17 हेलीकॉप्टर है उसका थोड़ा सा लॉन्गर वर्जन। 26 सीटर इस हेलीकॉप्टर में। अगर आपको तवंग जाना है तो सारी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी, क्योंकि बहुत टूरिस्ट होंगे जिन्होंने तवंग को एक्सप्लोर करने का कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि जाने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ से आप रोड से कह लो, बाई रोड तो मिनिमम ऑफ 20 आवर्स लगेंगे अगर बस से जाओ तो, एंड अगर गाड़ी से जाओ तो भी 15 से 16 घंटे। तो इतनी लॉन्ग जर्नी करके जाना, बट व्हाट इफ आई टेल यू आप एक अफोर्डेबल कॉस्ट में गुवाहाटी से तवंग तक की दूरी, ये जो 20 घंटे की जर्नी है, ये सिर्फ 1 घंटे में कर सकते हो। शुक्रिया अरुणाचल प्रदेश के सरकार को कि उन्होंने ये हेलीकॉप्टर सर्विस चलाई। जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं बता दूंगा बुकिंग कैसे करना है, क्या कॉन्टैक्ट नंबर है, क्या क्या रूल्स है, क्या लगेज रूल्स है, वेदर कंडीशंस अगर बुरा हो जाए तो क्या असर पड़ेगा। बता दूँ जिन लोगों ने मेरा गुवाहाटी से नाहरलगुन वाला व्लॉग देखा होगा, हेलीकॉप्टर वही है। एक्चुअली वो हेलीकॉप्टर सुबह चलती है नाहरलगुन से, आती है गुवाहाटी, यहाँ से जाती है तवंग, तवंग से आती है फिर गुवाहाटी, फिर निकलती है नाहरलगुन के लिए। तो जो तवंग का टाइमिंग है यहाँ से वो लगभग मेरे हिसाब से 10 बजे के आसपास है, एंड यहाँ पे सुबह 8 बजे आपका रिपोर्टिंग रहता है। पहले ही बता दूँ ऑनलाइन बुकिंग का कोई सिस्टम नहीं है। एक नंबर आगे चल के मैं आपको दे दूँगा, उस पर आप मैसेज करके अपना सीट होल्ड कर सकते हैं। तो आप अपना नाम नंबर ये सब टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं इनको, फिर ये आपकी सीट होल्ड करेंगे। एक दिन पहले जो है जो एयरलाइन है मतलब SkyOne एयरवेज जो इस हेलीकॉप्टर को चलाती है, उनको सारे परमिट क्लियरेंस ये सब मिलते हैं अगले दिन के लिए। सो नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग वेदर देख के ही बोर्डिंग पास यहाँ पे इशू किया जाता है। तो आपको यहाँ पे शार्प 8 बजे आना है, काउंटर 8:15 तक खुल जाता है। आपको काउंटर पे कैश देके डायरेक्टली अपनी टिकट ले लेनी है, एंड फिर आनंद लेना है एक मजेदार हवाई यात्रा का, जो मैं आज आपको वर्चुअली देने वाला हूं। इस वाले व्लॉग में तवंग का टूर भी रहेगा, एंड एक और बात, इस वाले व्लॉग में हम फ्लाई करेंगे ओवर भूटान एयर स्पेस। फिलहाल चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर, मैं वेट करता हूं काउंटर खुलने का, अपना बोर्डिंग पास लेता हूं और फिर दे देता हूं आपको सारी जानकारी इस हेलीकॉप्टर सर्विस रिलेटेड। ऑलराइट, एग्जैक्टली 8 in the morning एंड काउंटर जो यहां पे खुल चुका है, आपको जो है गेट नंबर D1 D2 के जस्ट राइट साइड में काउंटर मिल जाएगा। एंड ऑल्सो जो स्टाफ है ना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं, मेरे को तो पहचान गए क्योंकि पिछले दिन भी मैं इनसे बहुत बात कर रहा था कि कैसे जाना है तवंग, कब चांसेस है ये सब। एंड एक चीज़ बस ध्यान रखना, यहाँ पे ना UPI या QR वगैरह से या कार्ड से पेमेंट नहीं होता, आपको कैश निकालना है, जो मैंने जस्ट ATM से निकाला। वैसे तो यहाँ पे SBI का ATM है, मगर बेटर है कि आप लेके आए, क्योंकि किसी दिन अगर यहाँ पे कैश नहीं रहना तो हो सकता है कि आप फंस जाएँ। तो 4000 इज अ फेयर, जो कि बहुत ही ज़्यादा मिनिमल है। अगर आप बस से जाते हैं तो आपके 1500-2000 रुपये तक लगते हैं। एंड बात वही है कि 20 घंटे जाना हर किसी की बस की बात नहीं है, स्पेशली फॉर टूरिस्ट जो कम छुट्टी लेके आए हैं अरुणाचल प्रदेश एक्सप्लोर करने, जो कि ऑफ बीट अरुणाचल देखना चाह रहे हैं। ऑलराइट गाइस, बोर्डिंग पास मुझे मिल चुका है, अब इसको लेके जाना है अंदर। चलिए जी, गुवाहाटी एयरपोर्ट में आपका स्वागत है, एंड यहाँ पे एंट्री के लिए आपको ये बोर्डिंग पास ही दिखाना पड़ता है। यहीं पे जो है आपका लगेज वे किया जाएगा, एंड आपको यहीं पे वेट करना पड़ेगा टिल ऑल पैसेंजर कम्स, जो कि आज की फ्लाइट से जाने वाले हैं। तो यहाँ पे मेरे साथ पूरी टीम है, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट एंड ग्राउंड हैंडलिंग टीम भी,
क्या नाम है सर आपका, आप ही बताइए। तरुण शर्मा। और आप? दवजीत कलिका। आप ग्राउंड हैंडलिंग में? आप सर? बिल्डिंग अचू। बेली न्योजू। और आप है? स्टेशन मैनेजर, सबसे सीनियर। ओके आप सर? और आप ग्राउंड हैंडलिंग में? ओके, थैंक यू सो मच आपको हेलीकॉप्टर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। थैंक यू सर। चलिए गाइज, राइट नाउ द टाइम इज 8:50। ये जो बोर्डिंग पास और टिकट है ना, ये हैंड रिटन है। तो जब सिक्योरिटी चेक के लिए हम जाएंगे, एयरलाइन स्टाफ को साथ जाना पड़ता है एक लेटर के साथ, जो पूरा ग्रुप है हेलीकॉप्टर में जो फ्लाई कर रहे हैं सबके साथ। तो इसलिए जो है हम यहाँ पे एक साथ जाते हैं, फिलहाल हम वही कर रहे हैं। एंड तवंग इज रिपोर्टिंग 4 degrees राइट नाउ। यहाँ पे टेम्परेचर है 20 degrees। तो बड़ा सा जैकेट बैग में मैंने रख लिया है, क्योंकि लैंड करके ही मुझे फ्रीज नहीं होना। सो राइट नाउ हेडिंग फॉर सिक्योरिटी चेक। बाकी वैसे तो ऑफिशियल रूल्स 10 kilos के, बट इन्होंने बोला कि हम कोई इशू करते नहीं है, क्योंकि बहुत पैसेंजर्स ऐसे हैं जो बाहर कहीं से आ रहे हों, बैंगलोर दिल्ली, और बहुत ज़्यादा लगेज हो, तो उन्होंने बोला कि हम अलाउ कर देते हैं, तो लगेज को लेके कोई दिक्कत है नहीं। ऑल राइट गाइस, सिक्योरिटी चेक इज डन। एंड मेरे को ना, हाँ, पूरा तवंग तक जाता है। काउंटर है जस्ट बाहर, काउंटर है एपी अरुणाचल गवर्नमेंट का। ऑनलाइन में कुछ नहीं होता, वेदर का है ना, तो आप पता कर लीजिए कभी भी जाएंगे, नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो। सो गाइस, सिक्योरिटी चेक इज डन एंड बाकियों से ना। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, सेफ है, सब सेफ है। नहीं नहीं, डरने का क्या बात। एंड मेरे साथ जो बाकी को पैसेंजर्स है ना, वो चले गए, क्योंकि मुझे ना सिक्योरिटी चेक में हमेशा ज़्यादा टाइम लगता है, कभी कभार 3-4 trays हो जाती हैं, इतने सारे गैजेट्स आफ्टर ऑल। यहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक के वो है ना, डिवाइसेज है ना, वो इतना एडवांस नहीं है जो आजकल बाकी एयरपोर्ट्स में लग गए हैं। जैसे जो बड़े बड़े ट्रेज है यहाँ पे, वही कन्वेंशनल ट्रेज है ये वाले। तो अडानी साहब, आपने एयरपोर्ट तो ले लिया, ये सब भी अपग्रेड आपको करना ही पड़ेगा। ऑल्सो अडानी ने ना एयरपोर्ट लेने के बाद ये सब काम उन्होंने कराया है, इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह, फिर वॉशरूम्स के अंदर बहुत अच्छी लाइटिंग डिजाइनिंग लगवाई है। ऑल्सो लास्ट दिन जब मैंने फ्लाई किया था फ्रॉम गुवाहाटी टू ईटानगर, सो तब कैबिन क्रू मेम्बर ने मुझे पॉपिंस ऑफर किया था। मैं इतना एक्साइटमेंट में था, मैं थैंक्स वगैरह भी बोलना भूल गया था। तो यहाँ पे एयरपोर्ट में कोको काट है, उनके लिए कुछ छोटा मोटा चॉकलेट वगैरह ले लेता हूँ। यहाँ से मैंने एक टॉब्लेरॉन लिया है, एंड मुझे थोड़ा बहुत फील आ रहा है कि यहाँ पे जो गुवाहाटी एयरपोर्ट में जो नंबर ऑफ शॉप्स है ना, कियोस्क वाले, वो थोड़े बड़े हैं। काफ़ी सारे नए नए चीज़ें ऐड हुए हैं, जैसे मुझे लगता नहीं ये सब जो है पहले थे, मुझे लग रहा है नए नए बने हैं सारे। यहाँ पे जो है मैं ऊपर वाले फ्लोर में आया हूँ, जहाँ पे सारा फूड कोर्ट वगैरह है। लास्ट वाले व्लॉग में जिसमें मैं नहा लेन गया था, उसमें ये दिखाया नहीं था मैंने, जैसे यहाँ पे ये फूड कोर्ट है पूरा एयरपोर्ट के अंदर, अभी बार बार भी बना दिया। यहीं पे जो है ना गुवाहाटी एयरपोर्ट का नया फूड कोर्ट बना है, फटाफट से आपको दे देता हूँ हेलीकॉप्टर की सारी जानकारी। वी आर फ्लाइंग MI-172 टुडे। ये एक 26-seater हेलीकॉप्टर है, मगर तवंग के केस में सिर्फ 15 पैसेंजर्स को ही ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक रेस्ट्रिक्शन है मैक्सिमम टेक ऑफ वेट पे, जो कि करीबन 14,500 kilos है। हेलीकॉप्टर का एम्प्टी वेट है, विदाउट फ्यूल, विदाउट एनीथिंग, इट इज़ समवेयर अराउंड 8,500 kilos। तो इन 4-5,000 kilo में आपको फ्यूल, पैसेंजर्स और कार्गो लेना है, जिसकी वजह से ये रेस्ट्रिक्शन आता है। आज वैसे सिर्फ 4 ही पैसेंजर्स फ्लाई कर रहे हैं, मैं और साथ में 3 और पैसेंजर्स। एंड इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो लगभग 250 से 300 kilometers per hour तक की है, रेंज है अराउंड 600 kilometers। एंड आज का जो एरियल डिस्टेंस है बिटवीन गुवाहाटी एंड तवंग, दैट इज समवेयर अराउंड 220 kilometers। एंड जो फ्लाइंग टाइम लगेगा वो लगभग 1 घंटे 10 मिनट का रहेगा। ऑल्सो ये जो हेलीकॉप्टर का ऑपरेशन है, इसको मैनेज करता है स्काई वन एयरवेज, मतलब उन्हीं का क्रू रहता है, उन्हीं का हेलीकॉप्टर रहता है, उन्हीं का मेंटेनेंस वगैरह रहता है। सो थैंक यू टू देम ऑल्सो, जो कि लोकल लोगों की लाइफ ईजी बना रहे हैं, जो कि रेगुलरली ट्रैवल करते हैं बिटवीन गुवाहाटी एंड तवंग, क्योंकि बहुत एक लंबा सफ़र है जो कि काफ़ी जल्दी में एंड काफ़ी अफोर्डेबल कॉस्ट पे हो जाता है। सो फाइनली द टाइम इज 10 एंड द बोर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। चलते हैं और आपको मैं अपना हेलीकॉप्टर दिखाता हूँ। और जैसे मैं बोल रहा था शुरुआत में ही, ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसीज, इनके लिए इंडो थाई कंपनी है जो काम करती है, ये एयर एशिया और बाकी कुछ एयरलाइंस का काम भी करती है। इनका काम होता है कि ग्राउंड पे ये जो पैसेंजर्स टर्मिनल से एयरक्राफ्ट तक ले जाना, एयरक्राफ्ट से यहाँ तक लाना, एंड कुछ छोटे मोटे ग्राउंड ऑपरेशंस। तो वही इंडो थाई की बस में अभी हम हेलीकॉप्टर तक जाएंगे। तो फिर गुड बाय करते हैं गुवाहाटी के लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलई एयरपोर्ट को। यहाँ पे दो इंडिगो खड़ी है, दिस इज़ A320, दिस इज़ A321। और फिलहाल हम जा रहे हैं हेलीकॉप्टर पार्किंग पे। जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं या जो टर्बोप्रॉप एयरक्राफ्ट्स होते हैं, वो टर्मिनल से थोड़े से दूर लगते हैं, लगभग 5-7 मिनट लगता है वहाँ तक जाने में। एंड गुवाहाटी एयरपोर्ट का नया टर्मिनल भी बन रहा है वहाँ पे, तो उम्मीद करते हैं इन फ्यूचर आपको एक और इंटीग्रेटेड टर्मिनल देखने को मिलेगा, जो कि वहाँ पे आने वाले 1-2 सालों में ही खुलेगा।
यहाँ पे ना वैसे एक दो हेलीकॉप्टर कंपनीज और है, पवन हंस, फ्लाई हॉर्नबिल, फिर आर्यन, इनका जो है यहाँ पे हैंगर है। गाइज आज हम इस MI-172 हेलीकॉप्टर में गुवाहाटी से तवंग जा रहे हैं। दिस इज ऑपरेटेड बाई स्काई वन एयरवेज। थैंक यू। हेलो मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। विद दिस ऑल राइट गाइज, हैव बोर्डेड द हेलीकॉप्टर एंड दिस इज अ 26 सीटर MI-172 हेलीकॉप्टर, जैसे मैंने बोला, एंड 2x2 का इसमें सीटिंग है। सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल फॉर एटलीस्ट आवर ऑफ फ्लाइंग टाइम। गुवाहाटी से तवांग की दूरी 1 घंटा और 10 मिनट में पूरी की जाएगी। इस उड़ान के मुख्य कप्तान है कैप्टन त्रिकाल दर्शन कुमार सिंह, उप कप्तान है कैप्टन अतुल श्रीवास्तव, फ्लाइट इंजीनियर मिस्टर संजय मिश्रा और मैं ओपी दाबी उड़ान के कैबिन क्रू। बाकी इसका जो लगेज होल्ड है वो पीछे है, एंड एयरलाइन लिटरेचर की बात करें, सीट पॉकेट के पीछे एक सेफ्टी कार्ड है एंड एक वोमिटिंग बैग। बाकी आपको वाटर बॉटल और एक हेडफोन दिया जाएगा क्योंकि ऊपर जो है ना साउंड बहुत ज़्यादा आता है, एंड ये जो है ना इसका फ्यूल टैंक है। सो गाइज, वी हैव स्टार्टेड आवर टैक्सी। ये हेलीकॉप्टर डायरेक्टली नहीं उड़ता, ये रनवे के एंड पे जाके उड़ेगा। दैट साइड देयर इज ब्लू डार्ट बोइंग 737 कार्गो एयरक्राफ्ट है। यहाँ पे दोस्तों हमने क्रॉस कर लिया है ब्रह्मपुत्र रिवर, जो कि ओरिजिनेट करती है हिमालयस के कैलाश रेंजेस से। मैंने पिछले व्लॉग में हिमालयस को हिमाचल बोल दिया था, जिसकी वजह से कमेंट में काफी क्लैश हुआ था। ब्रह्मपुत्र पार करते हम पहुंच गए आसाम के नलबाड़ी डिस्ट्रिक्ट में, जिसका एक छोटा सा गाँव आप ऊपर से देख सकते हैं। बाकी इस हेलीकॉप्टर में आपको मिल जाता है 500 ml पानी का बोतल एंड एक हेडफोन, ताकि आपके कानों में दर्द ना हो आवाज की वजह से। यहाँ पे हम फ्लाई कर रहे हैं लगभग 250 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, कुछ ही देर में एंटर होने वाले भूटान। आज का फ्लाइट प्लान देख लीजिए कि किस तरह से भूटान का एयर स्पेस गुवाहाटी और तवंग के दूरी को कम कर रहा है। यहाँ पे हम एंटर हो गए भूटान एयर स्पेस में, एंड भूटान एंटर होते ही जैसे अलग ही नजारे आ गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हरे भरे पहाड़ कभी भूटान जाके दिखा पाऊं। ऊपर से मैं नीचे के गांव को ऐसे देख रहा था जैसे नीचे के गांव से ऊपर लोग हेलीकॉप्टर को देख रहे होंगे। ऊपर से पता नहीं हर छोटा बड़ा गांव बहुत प्यारा लगता है, एंड न जाने फिर कब हेलीकॉप्टर राइड लेने का मौका मिले। खिड़की से बाहर देख के मैं बस अपना मोमेंट एंजॉय कर रहा था। ये है भूटान का मानस रिवर। ऊपर से देखने में भली काफी छोटा लग रहा है, मगर भूटान के लिए ये काफी एक इम्पोर्टेंट रिवर है। हमारी मेनली फ्लाइट भूटान से ही थी। भूटान में तरह तरह की चीजें मैं देख रहा था, जैसे भूटान के रोड्स देखने में जितने डरावने हैं ना,
नीचे जाके इनसे बस जर्नी करने में तो और भी ज्यादा होंगे। तो जो जो भूटान सीरीज देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताओ। एंड देखते ही देखते भूटान से हम इंडिया के अरुणाचल प्रदेश में एंटर हो गए। इस पूरी जर्नी में शायद मुझे लेफ्ट टर्न सबसे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जो व्यूज अभी दिख रहे थे ना तवंग शहर के, वो काफी मजेदार थे। टाइम इज 11:30। तवंग के उज्जैन सालको हेलीपोर्ट में आपका स्वागत है। फ्लाइट टाइम कुछ 1 घंटे 10 मिनट के आसपास रही एंड वी फ्ल्यू ओवर भूटान। भूटान के जो नज़ारे हैं ना बिल्कुल ही अलग हैं, बहुत ही मज़ा आया भूटान को ऊपर से देख के। एंड स्पेशली तवंग में जो अप्रोच है ना वो भी बहुत कमाल का था, पूरा जो सिटी है ना अच्छे से देखा। आई होप आपको ये वीडियोज़ अच्छे लगे। ये देख लीजिए यहाँ का हेलीपोर्ट कुछ ऐसा है। फाइनली पहुंच गए हैं तवंग, क्या ही हेलीकॉप्टर राइड थी। एंड वहां पे आप नज़ारे देख लो। सो यहां पे जो है हमें लगेज कलेक्ट करना है। एंड यहां पे देख लो हेलीकॉप्टर के दो रोटर होते हैं, एक ये वाला एंड एक ये वाला। इसका क्या फंक्शन मैं बताता हूं थोड़ी देर में। सो स्वागत है आपका तवंग में। क्या मज़ेदार फ्लाइट थी यार, मैं क्या बताऊँ आपको। आई थिंक दिस इज वन ऑफ अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस फ्लाइंग इन MI-172 हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर में भी कुछ चीज़ ऊपर ठीक कर रहे हैं वो, आई थिंक मे बी इंजन कूल डाउन कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं। कैप्टन को देख सकते हैं ऊपर चढ़े हुए हैं। सो बस वो कंप्लीट हो जाए, इसका मैं टेक ऑफ दिखा दूँ यहाँ से। अभी ये जो है गुवाहाटी जाएगा, टेक ऑफ दिखा के फिर मैं आपको ले चलूँगा होटल वगैरह में। ये देख लो अपना तवंग का हेलीपैड।
यहाँ पे गाइस फायर ट्रक और एम्बुलेंस रहता है एज इमरजेंसी व्हीकल्स। तो हेलीकॉप्टर चला गया तो सो दे आर रिटर्निंग। मेरे हिसाब से ना एटलीस्ट आधे घंटे और तक इनको रहना चाहिए यहाँ पे, क्योंकि जस्ट इन द केस अगर हेलीकॉप्टर को किसी भी वजह से रिटर्न करना पड़े तो यहाँ पे इमरजेंसी व्हीकल्स रेडी होने चाहिए। बाकी यार क्या टेक ऑफ था, एक वॉच टावर के ऊपर चढ़ के मैंने वीडियोस ली, बहुत मज़ा आया देख के। प्रोसीजर आई हो आप सबको पता होगा, हेलीकॉप्टर में सब लोग चढ़ के इसमें जो है टोटल 4 क्रू मेंबर्स रहते हैं, 2 कैप्टन्स, 1 फ्लाइट इंजीनियर जो कि रेडियो वगैरह थोड़ा संभालते हैं, एंड 1 जो है कैबिन क्रू। फ्लाइट इंजीनियर जो है लास्ट में चढ़ता है, इंजीनियर वॉज अ नाइस पर्सन, बात हुई मेरी उनसे, श्रद्धा है उनका अलग, हर बार चढ़ते टाइम जो है प्रणाम करते हैं स्टेयर्स को। बस यही है, एक्सपीरियंस विद स्काई वन एयरवेज वॉज रियली रियली गुड। धन्यवाद करता हूँ स्काई वन एयरवेज का और अरुणाचल प्रदेश सरकार का ऐसी अच्छी सर्विस देने के लिए, जहाँ से यहाँ के लोकल्स जो 20 घंटे की जर्नी है वो 1 घंटे में पूरी करें, वो भी एट अ वेरी लो कॉस्ट। यहाँ पे फिलहाल मैं जा रहा हूँ हेलीपैड से नीचे, यहाँ के डॉग्स ना बहुत प्यारे प्यारे होते हैं। अभी एक बड़ी दिक्कत जो कि मुझे लग ही रहा था वो ये है कि यहाँ से कुछ टैक्सी वगैरह नहीं मिलेगा। डॉग्स के बच्चे यार बहुत क्यूट हैं यहाँ पे, गुड्डू। जो मैंने कहा है कि हेलीकॉप्टर में पीछे एक टेल रोटर है वो क्यों लगा रहता है, देखिए हेलीकॉप्टर का क्या है कि ऊपर जो ब्लेड घूमता है ना बेसिकली लिफ्ट जनरेट करने के लिए, उससे हेलीकॉप्टर की बॉडी को वैसे ही एक एंटी सर्कुलर मूवमेंट मिलेगा। समझ जाए कि पीछे का टेल रोटर ना होना तो हेलीकॉप्टर बिल्कुल ऑपोजिट में घूम जाएगा, तो इसलिए उस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए पीछे का टेल रोटर होता है। ऑल्सो जब भी हेलीकॉप्टर को कभी यो मोमेंट करना पड़ता है, यो मतलब ये वाला मोमेंट जो एयरक्राफ्ट के रडर से होता है वो उसके टेल रोटर से हो जाता है, एंड ऑल्सो जो रोल वगैरह है जो लिफ्ट के एक वैक्टर से थ्रस्ट हो रहा है वो सब मेन रोटर का काम है, वो ही एक एंगल पे चलता है, तभी आप समझ सकते हैं कि हेलीकॉप्टर आगे पीछे दाएं बाएं मूव कर सकता है। अभी जो है थोड़ा सा दूर चल के जाना है, फिर मेन रोड है, वहाँ से आई गेस कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा तवंग जाने के लिए। एक्चुअली तवंग का जो पुराना हेलीपैड है ना वहाँ पे मुझे लगा था कि उतरेगा, बट वहाँ पे नहीं उतरा। सो चल के बस वहाँ तक जाना है, वहाँ एक गेट है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फिलहाल मैं बैठा हूँ तवंग गेट पे, एंड तवंग इज द बर्थ प्लेस ऑफ 6 दलाई लामा। यहाँ के जो मोनास्ट्रीज वगैरह हैं वो घूम के देखेंगे अपन। फिलहाल के लिए आई एम वेटिंग फॉर सम लिफ्ट और टैक्सी, क्योंकि तवंग थोड़ा सा दूर है एंड अपहिल है, वही मेन बड़ी बात है, अगर डाउनहिल होता तो मैं 2-3 किलोमीटर भी चला जाता। बाकी दूर आप बर्फ देख सकते हैं। सो अभी जो है दोपहर के 12:30 बज रहे हैं लगभग, 1 घंटे से खड़ा हूँ यहाँ पे, कुछ मिल नहीं रहा टैक्सी या लिफ्ट, सो लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि 4 किलोमीटर है पैदल तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। यहाँ पे जो है गाइस मुझे लिफ्ट मिल चुका है ऊपर तक, कोई बैंक तक जा रहा था तो मैं वही उतर गया, और अभी चल रहा है होटल हंट। तवंग में आके मुश्किल में पड़ गया हूँ, यहाँ पे सारे होटल्स रेस्टोरेंट सब बंद है, कुछ जो न्यू ईयर चल रहा है इनका उनकी वजह से, मुझे पता था एक्चुअली, बट मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये 3 दिन के लिए रहता है, वो 3 दिन निकल गए तो अभी सब कुछ खुल गया, बट यहाँ पे ना सब कुछ ही बंद है। अभी होटल वोटल ढूंढ रहा हूँ बस। तो फाइनली गाइस चेक्ड इन टू माय होटल तवंग हाइट्स। अभी टाइम देख लीजिए, अभी 2:15 हो गए, मैं लैंड हुआ था 11:30 बजे। होटल हंट में कितना ज़्यादा टाइम लग गया, बट फिर भी सेटिस्फैक्शन नहीं मिला। जो होटल मिला वो अच्छा है, काफ़ी महंगा भी है, बट वही है उन्होंने बोला कि एयरटेल का वाईफाई, मुझे लगा ठीक है 5G आता होगा, उनको पूछा, बट आके देख रहा हूँ कि 10 Mbps की स्पीड आ रही है। वीडियो जो इसलिए लेट हो जाते हैं, बट रूम काफ़ी अच्छा है तवंग में, आई थिंक बेस्ट होटल होगा मेरे हिसाब से तवंग हाइट्स। प्राइसेस भी काफ़ी यहाँ पे मेनू के रीजनेबल है, एंड हीटर देख लो होटल में कितना बढ़िया दिया है, टेम्परेचर कंट्रोल्ड है बिल्कुल, 29 जैसे कर रखा है मैंने, बढ़िया चल रहा है, बट इतनी ठंड यहाँ पे है नहीं। एटलीस्ट देखिए जो जैकेट मैं बैग में लाया था ना पहनने के लिए वो अभी तक जरूरत नहीं पड़ा मुझे, एंड द टेम्परेचर इज 5 degrees राइट नाउ। ऑलराइट गाइज शाम के 5 ऑलरेडी बज गए आई गेस। वीडियो अपलोड करने में इतनी दिक्कतें आई ना, फिर मैंने वीडियो की क्वालिटी रिड्यूस करी, 2-2.5 घंटे लग रहे हैं अपलोड करने में, अभी तक अपलोड हुआ नहीं, तो मैंने रिसेप्शन पे लैपटॉप छोड़ दिया और मैं जा रहा हूँ अभी बिग बुद्धा का स्टैचू दिखाने, क्योंकि मार्केट वगैरह ना आज सारा बंद है तो मार्केट दिखाने में कुछ है नहीं, और बाकी जो कुछ चीज़ें हैं वो कल दिखाएंगे, थक गया बिल्कुल चढ़ाई करते करते। खैर देख लीजिए सड़कें ना एकदम सुनसान है, कोई है नहीं, स्कूल वगैरह सब कुछ बंद है, एंड फिलहाल मैं जा रहा हूँ आपको बिग बुद्धा दिखाने। ये देख लो तवंग का शहर, वहाँ पे दूर सनसेट हो रहा है, एंड यहाँ पे है फ्लैग पॉइंट। ये जो फ्लैग पॉइंट है ये 104 फीट ऊंचा है, एंड बादल देखो बादल काले हो गए, यही है कि अगर बारिश आ जाए ना तो वो बारिश नहीं होगा, वो स्नोफॉल होगा, मतलब अगर हो गया ना तो अगला वीडियो आपको कमाल का देखने को मिलेगा।
यही है दोस्तों जायंट बुद्धा स्टैचू। और बादल देखिए यहाँ पे कितने काले हैं। मैं तो बस एक ही चीज़ चाह रहा हूँ कि भाई जम के बारिश आए और रात को आए ताकि जो रेन ड्रॉप्स है वो स्नो में कन्वर्ट हो जाए टेम्परेचर की वजह से। फिलहाल ना मैं अपने होटल ही आ गया हूँ, कल सुबह निकलेंगे बाकी का टूर करने। गुड मॉर्निंग गाइज, अभी सुबह के 8:30 हो रहे हैं। फिलहाल जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पे देख लो अभी अच्छी खासी धूप निकली हुई है, बट हाँ जो मैं कल सोच रहा था कि स्नोफॉल हो जाएगा कुछ हुआ नहीं। और इस आँख में पता नहीं क्या हुआ, फेस वॉश कर रहा था फिर लाल हो गया अचानक से। एनीवेज चलते हैं ब्रेकफास्ट करने, फिर बाकी का जो तवंग टूर है वो करते हैं। चलते हैं यहाँ के मोनेस्ट्री में। अच्छा ब्रेकफास्ट में ना यहाँ पे है पराठे पोहे एंड ब्रेड, साथ में ऑमलेट कॉर्नफ्लेक्स एंड चाय कॉफ़ी ये सब। ठीक है ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। होटल तो मुझे काफ़ी अच्छा ही लगा, बट वो भी है कि थोड़ा कॉस्टली है। थोड़ा सा पोहा ट्राई करते हैं, ठीक ठाक है। एंड साथ में जो है ना पराठे भी है, ये बढ़िया है। यहाँ पे ना गाइज आ चुका हूँ इनके मेन एक मार्केट में, मेन चौक में। सब कुछ ही बंद है। पिछली बार मैं जब आया था ना ऊपर बस स्टैंड से, तो यहाँ पे चाय पिया था। देख लो सारा मार्केट वार्केट सब कुछ यहाँ पे बंद है। कोई दवाई की दुकान होगी, कुछ होगी, वाइन शॉप सारे खुले। लेकिन यहाँ पे ना काफ़ी दिक्कतें चल रही हैं। मैं यहाँ पे नीचे गया था 1.5 किलोमीटर के आसपास, अब वो तो डाउन हिल है, वो तो चला गया, अब चढ़ नहीं पा रहा। APSTS के यहाँ पे गया था बस स्टैंड पे, ये कुछ जगह का नाम मैं लिख दूंगा। वहाँ पे गया तो कह रहे हैं कि नहीं प्राइवेट ही मिलेगी आपको। यहाँ पे और कुछ मुझे नहीं मिला तो मैंने टैक्सी कर ली तवंग मोनेस्ट्री के लिए। टैक्सी ने लिए 500 रुपए। ये आ गए हैं दोस्तों तवंग के मोनेस्ट्री में। इतना ज्यादा प्यारा मोनेस्ट्री है यहाँ का। एंड आज के लिए ना हम यही कवर करेंगे। वॉर मेमोरियल उन्होंने कहा कि शायद बंद भी हो सकता है। यहाँ पे कुछ तो सूख रहा है, दाल होगा। यहाँ पे बस एक व्यू पॉइंट में आपको दिखाता हूँ, इस व्लॉग को एंड करते हैं। अनफॉर्चुनेटली तवंग वॉर मेमोरियल को मैं नहीं इंक्लूड कर रहा इस वाले व्लॉग में। यहाँ पर साइट सीन पॉइंट के लिए 500 रुपीज़ लेते हैं। यहाँ से देख लो तवंग शहर का कितना शानदार व्यू है। व्यू काफ़ी बढ़िया है यहाँ पे। इनफैक्ट वो जो जैन बुद्धा स्टैचू है कल हम जहाँ पे गए थे वो रहा दूर, उसी के बगल में फ्लैग पॉइंट। इनफैक्ट मुझे मेरा होटल भी दिख रहा है। बाकी यही पूरा है तवंग का शहर एंड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। अरुणाचल प्रदेश आ रहे हो ना तो ये तवंग ज़रूर आना। तो ठीक है गाइस, आज का जो वीडियो है यहीं पे एंड करते हैं। यहाँ पे जैसे सब कुछ बंद है, यहाँ पे ना आप चाइना पास तक भी जा सकते हो, मगर उसके लिए थोड़ा पहले परमिट बनाना पड़ता है। मैं अगर अभी जाऊँगा तो मेरे को 2-4 दिन यहाँ पे और रुकना पड़ेगा। एंड एक लेक भी आता है पीटीसो लेक बोल के, वो सब कभी और कवर करेंगे। इस ब्लॉग के लिए सिर्फ इतना ही। अभी जा रहा हूँ होटल एंड 11:30 की नेटवर्क वाली बस ले लूँगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। याद रखें तूफान आंधी आए वर्षा हर मंगल शुक्र आपके साथ।